नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ये ट्राइबल किचन का बेहद ख़ास एपिसोड है। रांची का दलादली चौक है और यहां पर काफ़ी मशहूर सरना होटल नाम की एक जगह है, जहां पर मटन और मछली के साथ भात सर्व किया जाता है। ये होटल एक आदिवासी लड़के का है और ये कितना पॉपुलर है आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि सुबह 10 बजे से यहाँ पर मटन भात या मछली भात खाने वाले लोगों की लाइन लग जाती है। इस होटल की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, सुनवाएंगे, इसके पीछे कौन है, क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ़िलहाल इस होटल में जिस मछली को खाने के लिए लोग इतने चाव से यहाँ पर आते हैं, उसको बनाने के लिए ये यंग लड़का अमित उरांव, इनका नाम है, हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपके गांव का क्या नाम है? मेरा गांव का नाम है गुड़ू। हाँ, गुड़ू। गुड़ू गुड़ू कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और आपने खाना बनाना कहाँ सीखा? वो तो खाना तो घर से सीखे हैं बनाना। घर से सीखे हैं? हाँ। और घर जैसा ही यहाँ पर भी बनाते हैं? हाँ। और शायद इसीलिए यहाँ इतने लोग खाना खाने के लिए आते भी हैं कि बिल्कुल एक आदिवासी परिवार में जैसा खाना बनता है वैसा ही खाना यहाँ पर बनाया जाता है। तो अमित, शुरू करें? ठीक है। मछली बनाना? ठीक। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले तेल डालेंगे। तेल जो जो आप डालेंगे इसमें बताते रहिएगा। ठीक। चलिए, ये सरसों का तेल है? हाँ, सरसों का तेल है। तो मटन भी सरसों के तेल में बनाते हैं या सिर्फ मछली सरसों के तेल में बनाते हैं? नहीं, मटन भी सरसों का तेल, सरसों तेल, सरसों के तेल में ही बनता है। उसके बाद धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डालिए। क्या बात, झमाझम। तो पहले हरी मिर्ची और लहसुन, फिर लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पिसा हुआ, ये इसमें डालना है। उसके बाद टमाटर और हरा धनिया, वो डाल देना है। वाह, तो घर में भी ऐसे ही बनता है खाना? बनता है। या थोड़ा फ़र्क है? थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा फ़र्क है। घर में तो इतना तेल इस्तेमाल नहीं होता है, है ना? मैंने तो देखा आदिवासी परिवारों में बहुत ही कम तेल डालते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा तेल, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये जो एक पेस्ट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें हरी मिर्ची है, लहसुन है, काली मिर्ची है, इसमें टमाटर है, जीरा इसमें पीसा गया है और पीली सरसों इसमें पीसी गई है और ये इस फिश ग्रेवी का बेस तैयार करेगा। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि इससे पहले कुछ मसाले करारे कर लिए गए हैं कढ़ाई में, उससे एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, इससे बेस तैयार होगा और वो ख़ास मछली पकेगी जिसको खाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। लीजिए अमित। ठीक। क्या बात, क्या बात है। लाइए मैं थोड़ा सा हाथ आजमाऊं। बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू और रंग दोनों। और ये अब इसमें डाली जा रही है हल्दी। क्या बात है,
बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सही। क्योंकि अमित कई महीनों से ये काम कर रहे हैं और उनका ऐसा दावा है कि वो घर पे भी खाना बनाते थे, मान लेते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली हल्दी, नमक, बाकी मसाले डालते हैं। तेल अलग होने लगा है मसाले से और मछली कहाँ है, मछली आइए आइए, लाइए 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 लाइए, ये देखिए, वाह कितनी सारी मछली है, ये देखिए बोला, ये देखिए। तो ये मछली है जो बनेगी, कौन सी मछली है ये रेहू है, रोहू माछ है, काफ़ी पॉपुलर और मेरी फेवरेट। लीजिए तो इसमें से इसमें डालना है, हाँ? तो पहले नमक डालेंगे, लाइए इसको मैं हिलाता हूँ, तब तक आप नमक डालिए। नमक, हल्दी, और ये क्या है, ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर। पीले सरसों, ये क्या है, सरसों, पीला सरसों, पीला सरसों। लाल मिर्ची, अब इसको मिक्स करेंगे। ये क्या है, मसाला डालना है इसमें से, डालिए, क्या है ये, मसाला है, मसाला है, क्या मसाला है ये, ये तो घर से बन के आता है, नहीं पता चलता है, घर से बन के आता है, हाँ। ये नहीं बता सकते क्या है, हाँ। तो ये सरना होटल का एक सीक्रेट मसाला है जो इस होटल के मालिक घर से पीस के लाते हैं और यहाँ जो कारीगर बनाते हैं उनको भी ये नहीं पता है कि इस मसाले में क्या क्या डाला गया है, क्या क्या मिला है, तो ये सीक्रेट है। और जाहिर है सबको ये हक होता है कि वो अपने सीक्रेट को बचा के रखें, वही उसकी कामयाबी का राज होता है, तो इसलिए हम भी इस बात के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो इस मसाले के बारे में बताएं। आप अंदाज़ा लगा के बताइए कि क्या क्या इसमें हो सकता है, इस सीक्रेट मसाले में। तो दोस्तों जो मसाले इसमें डाले गए आपने देखा, हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ी सरसों और एक सीक्रेट मसाला जो सरना होटल का सीक्रेट है, ट्रेडमार्क है,
जो एक खास स्वाद पैदा करता है यहाँ के खाने में, और ये इनके परिवार का एक सीक्रेट है जो ये सबको नहीं बताना चाहते हैं। फेयर इनफ, ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से उसको तैयार किया है। जाहिर है उसमें उनकी कई पीढ़ियों का ज्ञान और योगदान है। तो लेकिन ये इसका स्वाद कैसा बनता है वो आपको ज़रूर पता चल सकता है, आप इस सोटे ला के खा सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे इस मछली का स्वाद आपको बताने का। यहाँ की मछली इतनी फेवरेट है लोगों की कि लगातार अमित के पास लोग आके ये पता कर रहे हैं कि कितनी देर में ये मछली तैयार हो जाएगी। तो मसाला भुन चुका है और अब इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, डाल दीजिए। तो यहाँ की जो मशहूर फिश करी है उसकी करी रेडी हो चुकी है, मसाला भुन चुका है। करीब करीब 45 से 50 मिनट बहुत धैर्य के साथ उन्होंने मसाले को भुना है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें शुरुआत में जो चीज़ें डाली गई वो स्वाद के लिए नहीं बल्कि अरोमा के लिए, खुशबू के लिए, एक स्मोकी फ्लेवर पैदा करने के लिए डाली गई थी। उनको बहुत करारा होने तक भुना गया। उसमें हरी मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला गया, उसको करारा भुना गया। और उसके बाद फिर मसालों का एक पेस्ट डाला गया जिसमें बहुत सारे मसाले पीसे गए, पीली सरसों भी उसमें डाली गई थी। और उसके बाद इसमें डाला गया था एक सीक्रेट मसाला, माफ़ कीजिएगा, जो फ़िश में डाला गया है, फ़िश में वो सीक्रेट मसाला लपेटा गया है। वो मछलियाँ फ्राई होंगी और फ्राई होने के बाद वो इस फ़िश करी में चली जाएंगी और ये यहाँ की मशहूर फ़िश करी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, सरना होटल की मशहूर मछली और भात हमारे हाथ में है। इसमें अगर आप इस प्लेट में देखेंगे, बीच में मछली रखी जाती है, हाथ से पीसी हुई चटनी है, कच्चा प्याज है, कच्चा प्याज का एक टुकड़ा, और ये करारा साथ में चावल के आटे से बना हुआ फ्राई करके पत्ते में दी गई है। और राइस के साथ काफ़ी गर्म है, चटनी थोड़ी सी मिक्स करता हूँ और ये ढक्कन लगाना है। वाह, और मछली खानी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सीक्रेट मसाला है, जो इस होटल के मालिक हैं उनके परिवार का एक सीक्रेट मसाला डाला जाता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्या बताऊं मैं, शब्दों में बयान करना इस मछली के स्वाद को संभव नहीं है। इस फिश करी में एक स्मूथनेस, हल्की सी क्रीमीनेस आपको महसूस होगी, थोड़ा सा मसाले
जो सिलबट्टे पे पीसे गए हैं उसका दरदरापन भी महसूस होगा, और जो आपके मन को खुश कर देगा वो है इसकी खुशबू। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिस तरह से टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर को डाल के करारा किया गया था, उससे एक अरोमा पैदा हुआ है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि कहीं उससे कड़वाहट तो नहीं आ जाएगी, लेकिन वो क्वांटिटी में कम था। और उसके बाद जो मसाले डाले गए हैं, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी है, तो बहुत ही शानदार मछली भात। आप जब भी रांची आएँ तो सरना होटल आएँ और अमित उराव के हाथ की बनाई हुई ये मछली ज़रूर खाएँ। अमित यार, जितनी दुआएं आपको दें उतना कम है, बहुत ही स्वादिष्ट है ना। हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी, आप ज़िंदगी में खूब कामयाब हों और ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बना के लोगों को खिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।